आज नया नाम है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। कहावत है, बोर्ड में आ चुकी है ऑलरेडी, ये कहावत का अर्थ समझाए। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, इस कहावत का अर्थ गठन करे, ऐसा सवाल बोर्ड में आया है 3 मार्क्स में, ठीक है। हाँ, ये चैप्टर के क्वेश्चन 3 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। चलो, क्या कहता है कवि इस लाइन में? तो सबसे पहले हमें किसकी सॉल्युबिलिटी देखनी है? लिक्विड की, ठीक है। तो लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन गैस, मतलब लिक्विड रखो चलो ना, एंड लिक्विड इन गैस, ठीक है। बाकी सब तो ठीक है, हमें अभी जो पढ़ना है, तो इनिशियली सबसे पहले सॉल्युबिलिटी क्या होती है? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? मतलब मेरी सॉल्युबिलिटी 5 ग्राम की है, अब बताओ इसका मतलब? सॉल्ट, मतलब 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट को मैं अपने अंदर डिजोल्व करवा सकता हूं इफ आई एम ए सॉल्वेंट, ठीक है। अगर सपोज इसी को ही और जस्टिफाई करना हो, मतलब कैसे कैसे आपने डिजोल्व करवा दिया बताओ, मतलब सॉल्ट कैसे डिजोल्व हो गया पानी के अंदर? हर एक पानी के लिक्विड मॉलिक्यूल्स में अपार्ट होते हैं, उनके पीछे बहुत सारी स्पेसेस होती है, तो उसके पीछे जाके सॉल्ट बैठ जाता है, सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स बैठ जाते हैं। मतलब पानी के मॉलिक्यूल हटा दो तो वो सॉल्ट मिल जाएगा मुझे वापस? मतलब ये क्रिस्टल है, आप ऐसा ही बोल रहे हो ना, ये क्रिस्टल है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, हाँ और बीच में मैं रख देता हूं एक सॉल्ट मॉलिक्यूल, अगर ये वाटर मॉलिक्यूल हटा दिए वापस तो ये सॉल्ट वापस मिल जाएगा मुझे। तरीका हटाने क्या, गर्म ही करना है ना, और क्या करना है, पानी हटाओ, ट्राई करना कभी। तो वो सी तो मतलब करते थे वाटर इवेपोरेशन से, वो क्या होता है हाँ, सी तो सॉल्ट कैसे निकलता है? ऐसे निकलता डिजोल्व थोड़ी है वो, सी सॉल्ट डिसॉल्व है। अरे मतलब डिजोल्व है, मतलब सेचुरेटेड सॉल्यूशन है ना वो, इसलिए मतलब ज्यादा कंसंट्रेशन है उधर। चलो छोड़ो, इधर देखे ध्यान से। सॉल्यूबल होने के लिए कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, सॉल्यूबल होने के लिए कुछ फैक्टर्स है, जिसके अंदर सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर अट्रैक्शंस, ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस और अट्रैक्शन। दैट मींस अगर सपोज मुझे सोडियम क्लोराइड को, दैट मींस NaCl को डिजोल्व कराना है वाटर के अंदर, तो NaCl का आयोनाइजेशन होना चाहिए Na प्लस Cl माइनस में। क्यों? क्योंकि तो वाटर जो है वो एक पोलार सॉल्वेंट है। पोलार सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है? जिसके अंदर डाइपोल्स हो, ठीक है, जिसके अंदर डाइपोल हो। क्या होता है डाइपोल? तो डाइपोल का मतलब है एक तरफ एंड ऐसा होगा, एक H प्लस है, दूसरा OH माइनस, ठीक है, एक H प्लस एक OH माइनस, वैसा ही NaCl का डाइपोल, ठीक है, एक Na प्लस है, दूसरे साइड Cl माइनस है। ये दोनों डाइपोल एक दूसरे के साथ टकराएंगे, मतलब ये डाइपोल जाके इसके साथ इंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करेंगे, और ये इंट्रैक्शन की वजह से ये डाइपोल बीच में से टूट जाएगा, ठीक है। जैसे ही डाइपोल टूटा, इसके अंदर से H प्लस आयन्स, Na प्लस आयन्स, Cl माइनस आयन्स एंड OH माइनस आयन्स, ये सब रह जाएंगे,
इसकी को हम बोलते हैं डिजोल्व करवाना, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजोल्व करवाना, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को ब्रेक कर देना है और उसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, आयंस में। वो किसकी वजह से हुआ, तो कि सॉल्वेंट की वजह से हुआ, समझ में आ रहा है। अगर हमारा सॉल्वेंट पोलार है, मतलब उसके पास डाइपोल है, तो वो ऐसे सॉल्यूशंस को डिजोल्व करवा सकता है, मतलब ऐसे सब्सटेंसेस को डिजोल्व करवा सकता है जो ऐसे आयंस क्रिएट कर रहा हो, समझ में आ रहा है, यस और नो? तो मतलब कवि इस कथा के अनुसार हमें समझाना चाहता है कि अगर पोलार है तो पोलार के अंदर ही डिजोल्व होगा, और नॉन पोलार जो है वो नॉन पोलार के अंदर डिजोल्व होगा, समझ में आ रहा है। नॉन पोलार कैसे, जैसे सपोज इसके बदले मैंने ले लिया है CCl4, ये है सॉल्वेंट कैसा, ऑर्गेनिक वाला, ठीक है, नॉन पोलार, क्यों, इसके कोई पोल्स नहीं है, मतलब डाइपोल इसके अंदर नहीं है। अब इसके अंदर NaCl डाले मैंने, तो ना इसको ये ब्रेक कर सकता है Na प्लस Cl माइनस में, ठीक है, इसके अंदर ब्रेक नहीं कर सकता, आयनाइज नहीं कर सकता, तो एक दूसरे के अंदर मिक्सचर बना के पड़े रहेंगे, डिजोल्व नहीं हो पाएंगे, समझ में आ रहा है, यस और नो? इसलिए लाइक डिजोल्व्स लाइक, क्या समझाना है, तो कि पोलार पोलार के अंदर डिजोल्व हो जाता है, नॉन पोलार नॉन पोलार के अंदर डिजोल्व हो जाता है, क्यों, ड्यू टू इंटर एंड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस या फिर अट्रैक्शंस, क्लियर है बातें। हम इसको बेटर वे में ऐसे लिखेंगे, इंट्रैक्शन बिटवीन आयंस और इंट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल्स, ये है इंट्रैक्शन बिटवीन डाइपोल्स, ठीक है, और ये सिस्टम से डिजोल्व हो जाता है एक दूसरे के अंदर, क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है, यस और नो? कैसे मेजर करेंगे कितना डिजोल्व हुआ, कैसे मेजर करेंगे, याद करो 11th स्टैंडर्ड मेजरिंग, अरे मोलारिटी से रिलेटेड मेजरिंग यूनिट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, अगर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता चल जाए आपको, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कितना डिजोल्व होगा कितना नहीं होगा, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है KSP, क्लियर है बातें, यस और नो? इसका भी फॉर्मूला तो सेम ही है, क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, सॉल्यूबल प्रोडक्ट एंड सॉल्यूबेंट रिएक्टेंट, ऐसा हो जाएगा, के एस पी लिखो ना, अभी इसकी जरूरत नहीं, क्लियर है, हमें नहीं आता, नाम नहीं आता तो याद करो, क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है, लिख लो इसमें जो लिखना हो, जो आपने वो लिखवाया था क्लियर है बात है, लिख लिया ऐसा कुछ, इसके अंदर क्या क्या डिपेंडेंसीज हो सकती है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या डिपेंडेंसीज हो सकती है, तो अगर सपोज मैं इसके अंदर बोलूं कि भाई मेरे पास है NaCl एंड दूसरा है मेरे पास KCl, दोनों आयंस, यस और नो, कौन पहले डिजोल्व होगा, जो पहले टूटेगा, कौन पहले टूटेगा, ऐसा, ठीक है, क्या डिपेंड करता है, तो कि डिपेंड्स, स्पेलिंग क्या होता है डिपेंड का, डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट लैटिस एंथैल्पी,
अगर किसी की बाउंडेड लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है तो उसको ब्रेक करने में भी उतना टाइम लगेगा, ठीक है। और दूसरा, पानी में डिजोल्व करवा रहे हैं ना, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, हाइड्रेट करने के लिए जो एंथैल्पी चाहिए वो वाटर के अंदर, अगर आपको डिजोल्व करवाना है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत इंपॉर्टेंट। क्लियर है? ये दोनों चीजों पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करते हैं, तो फैक्टर्स लिख के रखो। ठीक है, कैसे लैटिस एंथैल्पी बड़ी तो सॉल्युबिलिटी लेस, और सेम वे हाइड्रेशन एंथैल्पी बड़ी तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और ये हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है। नहीं नहीं हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर मतलब ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी वैल्यू हो तो वो ज्यादा डिजोल्व होता है वाटर के अंदर, वो प्रोड्यूस होने वाली एंथैल्पी ऐसा। Which is more soluble in water? मेरे पास क्वेश्चन है MgSO4 and BaSO4, which is more soluble in water? बताएंगे which is more soluble in water? MgSO4 and BaSO4. चलो याद करो पीरियोडिक टेबल, ऐसे नहीं आंसर रीजन के साथ बताए। न्यूक्लियस के बहुत पास होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन बीए के कंपेयर टू एमजी, तो उसका लेटेस्ट एंथैल्पी ज्यादा होगा। पीरियोडिक टेबल में बीए कहाँ आता है और एमजी कहाँ आता है? ये बेरिलियम नहीं है, बेरियम है। चलो जल्दी सोचो विच इज मोर सॉल्युबल इन वॉटर। क्यों बैरियम वाला गाजर वाला आप होती मतलब बैरियम दिखाओ, मतलब तुम लोग को ऐसा बोल रहे हो? यार क्या पढ़ लेंगे, पीरियडिक टेबल याद ही रखना होता है। ये रहा बैरियम, क्यों उसका रेडियस बढ़ा है तो उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो अलग करना इजी होता है। सोचो कुछ सोचो फिर बाद में बोलो। देखो यहाँ पर BaSO4 है, बेरियम स्ट्रॉन्ग मेटल दिख रहा है, यस और नो? नीचे है ना पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्ग मेटल, मतलब इसका कैटायन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, Ba2+ जो है वो स्ट्रॉन्ग कैटायन, उसके साथ SO4 जुड़ा हुआ है 2- NaN के फॉर्म में। ये दोनों के बीच में इंटरेक्टिव फोर्सेस कैसे? बहुत स्ट्रॉन्ग, यस और नो? क्यों? क्योंकि कैटायन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेम वे Mg की बात करो, MgSO4 उसकी मेटालिक कैरेक्टर कैसा बेरियम से?
कहां बेरियम और कहां मैग्नेशियम, मैग्नेशियम इधर ही आ जाता है छोटा सा, ठीक है। तो MgSO4 जो है वो ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे आ जाते हैं NaCl के। तो MgSO4 में ये होता है वीक मेटल, मतलब बेरियम से तो वीक ही है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो भी कैसा रहेगा, वीक रहेगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा। तो जल्दी ब्रेक हो जाएगा मतलब मोर सॉल्यूबल, क्यों वीक, क्या बोलेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है। और इसके अंदर क्या बोलेंगे, लेस सॉल्यूबल, ये ऑलमोस्ट इनसॉल्यूबल होता है। BSO4 की बॉटल नहीं देखी तुम लोगों ने, व्हाइट कलर की होती है लास्ट बॉटल, कभी देखना लैब में जाओ तो व्हाइट कलर की लास्ट बॉटल होगी BSO4 की, वो सब व्हाइट व्हाइट कलर का दिखेगा और इनसॉल्यूबल ही नीचे पड़ा रहेगा वाटर के अंदर ही, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में। अरे पर देखो ऐसा नहीं होता कि कैटायन जितना छोटा और एनायन जितना बड़ा उतना स्ट्रॉन्ग। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, उतना स्ट्रॉन्ग ही है ना वो, कैटायन का एनर्जी ना छोटा हो, वैसे ही देखो ना, मतलब दोनों के रेडियस के बीच में डिफरेंस देखो ना, Mg वैसे ही बहुत बड़ा है और स्ट्रॉन्ग है वो, सॉरी बेरियम। अलापन तो इधर कंपेयर किससे कर रहा है, जैसे तू CS है और Na है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सोडियम वाला है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, CS सबसे स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि उसका मेटलिक कैरेक्टर तो देखो, कौन से रेडियस मतलब कौन से ऑर्बिट में वो प्लस आयन बना रहा है वो तो देख, 5 प्लस है, ये कौन से ऑर्बिट में सेकेंड में प्लस बना रहा है, वो दोनों में डिफरेंस होता है ना, ऐसा थोड़ी है कि भाई छोटा है तो देख लेंगे हम। समझ में आ रहा है, यस और नो? तो ऐसे अंदर अंदर के फोर्सेस देखने के, अगर के एस पी की वैल्यू पता हो तो ये काम और आसान हो सकता है। इसके अंदर हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऐसा हो जाएगा। इसके अंदर के एस पी किसका ज्यादा, ये सवाल पूछ लिया तो क्या बी एस ओ के एस पी वैल्यू जितनी ज्यादा उतनी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, तो के एस पी इसका मोर हो जाएगा, इसका के एस पी लेस हो जाएगा, ठीक है। के एस पी उसका ज्यादा होता है जो ज्यादा डिजोल्व करे, ठीक है, मतलब ज्यादा कन्वर्ट हो जाए आयंस में, उसका के एस पी ज्यादा होता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है, यस और नो? पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा रट के रखे, दो चार सवाल ऐसे ही हो जाएंगे, बट पीरियोडिक टेबल नहीं आता तो कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में। समझ में आ रहा है, यस और नो? हटाओ पेज को, लाइक डिसॉल्व लाइक्स का मतलब समझ में आ गया तो समझा देना। कंसंट्रेशन दूसरा फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी हम देख रहे हैं, सेकेंड फैक्टर इज कंसंट्रेशन। चलो भाई डीला बोर्ड काम करना, चलो कंसंट्रेशन बढ़ा तो सॉल्युबिलिटी कैसी, जल्दी बताएंगे क्यों, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा। कंसंट्रेशन जैसे ऐसे बड़ा सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, ग्राफ को ध्यान से देखे, ठीक है, इस तरफ ले लेते हैं सॉल्युबिलिटी और इस तरफ ले लेते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है, ये कंसंट्रेशन का ग्राफ ऐसा है, इनिशियली इंक्रीज होता है फिर बाद में कांस्टेंट हो जाता है, देन आफ्टर डिक्रीज होता है, ठीक है, इनिशियली इंक्रीज होता है धीरे धीरे, फिर देन आफ्टर कैसा होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, देन आफ्टर डिक्रीज हो जाएगा। इस ग्राफ को थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्लियर है बात है? वैसे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली देखना है, कंसंट्रेशन बढ़ा तो सॉलिबिलिटी कम हुई, सीधा सीधा है, ज्यादा मतलब ठूस ठूस के भरेंगे तो फिर बाद में डिजोल्व नहीं हो पाएगा, ऐसा समझ सकते हैं सीधा सीधा। तो लिख लो कंसंट्रेशन और सॉल्युबिलिटी का ग्राफ, रहन दो इसमें दूसरा ग्राफ बनाएंगे अभी, ग्राफ इसमें
ये तो टॉपिक खत्म कर लो। ग्राफ ऐसा बना दो, ऐसा बना दो टाइम वर्सेस कंसंट्रेशन का, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें लिखा होता है कि भाई ये पॉइंट पे सॉल्यूशन कैसा, तो ये पॉइंट पे सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये, और यहां तक का जो ग्राफ है जब तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहां तक का जो ग्राफ है वो हो जाएगा अनसैचुरेटेड। चलो बोलो टेम्परेचर में कैसा होगा, टेम्परेचर बढ़ा दो, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी के। अब इसमें दो चीजें याद होनी चाहिए वैसे तो आपको, पहली चीज है एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए बताओ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए बताओ कौन सी प्रोसेस एक्सोथर्मिक है जो हीट छोड़ती है। सबको एक मिनट, बे मिनट आपो, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बताओ। अरे वो तो मुझे भी पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसको बोलते हैं, इसमें सॉल्युबिलिटी बताओ क्या हो गया। हाँ कैसे होगी हीट रिलीज होगी। देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस कैसी होती है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसके अंदर से सॉल्यूशन, ठीक है, और डेल्टा एच इसके अंदर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और दूसरी प्रोसेस है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या हो जाता है, इसमें सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट उसके अंदर से बना सॉल्यूशन, कैसा हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। बताओ आप सॉल्युबिलिटी बताओ किसमें ज्यादा किसमें कम, या दोनों में से क्या एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी कम होगी, कैसे। अच्छा डेल्टा एच के नेगेटिव संख्या भी बढ़ जाएगी ऐसे में। ले सेटर प्रिंसिपल, अगर हीट बढ़ गई सॉल्यूशन तरफ वो किस तरफ आएगा। अच्छा समझ में आ रहा है, अगर इस तरफ हीट बढ़ गई, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, अगर हीट यहां पर जैसे जैसे डिजोल्व होते जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सॉल्यूशन की एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, मतलब पॉजिटिव चेंज है ना इसमें, तो पॉजिटिव चेंज की वजह से अकॉर्डिंग टू ले शटल प्रिंसिपल इसको रिवर्स कर देता है, ठीक है, और रिवर्स करने की वजह से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वापस अलग हो जाते हैं। तो इस केस में अकॉर्डिंग टू, ठीक है, ले शटल प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी जो है, सॉल्युबिलिटी का स्पेलिंग क्या था, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज
और इसके अंदर वही रीजन से सॉल्युबिलिटी कैसी इंक्रीज। लिक्विड का नाम लिया ना तो केमिकल इक्विलिब्रियम पहले याद आना चाहिए। समझ में आ चुका है ये? यस और नो? चलो हटाओ पेज। चार नंबर प्रेशर की बात करो। प्रेशर से लिक्विड पे कोई फर्क पड़ता है? प्रेशर से लिक्विड पे कोई फर्क पड़ता है? कैसे प्रेशर पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं होता। दो लिक्विड को मिक्स करके प्रेशर बढ़ाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लिक्विड को प्रेशराइज नहीं कर सकते भाई। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाए। क्या बोल रहे हो? ऐसा है पीवी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है तो पी इक्वल्स टू वन अपॉन वी, ऐसा। हाँ चलो फिर अब प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम कम हो गया, फिर सॉल्युबिलिटी का क्या? वॉल्यूम उड़ा तो उसके साथ भी मॉलिक्यूल भी वो उड़ी जाएंगे। अभी तो लिखा था क्वेश्चन HCl गैस बन के निकल गया, तो ऑलमोस्ट नो इफेक्ट, ठीक है ऑलमोस्ट नो इफेक्ट प्रेशर की। फिर नेक्स्ट लिख लो पार्टिकल साइज। ठीक है क्या होता है पार्टिकल साइज? सरफेस एरिया इसके अंदर रीजन है, ठीक है सॉल्वेंट के इंटरेक्शन में ज्यादा सरफेस एरिया आना चाहिए। तो जितना अगर आप ग्राइंड करके डिजोल्व करवाने का ट्राई करोगे उतनी जल्दी वो डिजोल्व हो जाएगा, जितना मोटा मोटा होगा उतना जल्दी नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट इज स्टेरिंग। स्टेरिंग का स्पेलिंग बोलो। ऐसा एजिटेटिंग भी है इसका दूसरा मतलब, ये आता है मुझे। ठीक है एजिटेशन मतलब गोल गोल घुमाते रहो जोर जोर से, जितना इंक्रीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आ जाएगा ये सॉल्युबिलिटी के। ठीक है जितना ज्यादा उतना हो जाएगा। और लास्ट इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है? जैसे पोटेशियम है, ठीक है और रिएक्ट करके ऐसा नहीं कि वो सॉल्यूशन बना रहा है, वो कॉम्प्लेक्स बना दे। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? एक एग्जांपल लेते हैं AgNH3 ट्वाइस, ये हो गया कॉम्प्लेक्स। ठीक है इसमें H2O भी डाल दो ऐसा। ठीक है और इसके बाहर प्लस भी एक आध डाल दो ऐसा। ऐसा कुछ है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। तो जितनी जल्दी ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा उतनी जल्दी ये सॉल्युबल भी हो जाएगा। ठीक है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में मतलब ऐसे पार्टिकल्स के साथ जॉइंट हो जाना चाहिए वो कि सॉल्युबल हो जाए एक तरीके से, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो ये भी एक फैक्टर है, ऐसा कोई डिपेंडेंट फैक्टर नहीं है कि कॉम्प्लेक्स हुआ तो ये, बट आगे के सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो इसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है लिक्विड लिक्विड सॉल्युबिलिटी है ये। कौन सी है? लिक्विड लिक्विड सॉल्युबिलिटी के अंदर लिख देंगे ये है लिक्विड लिक्विड सॉल्युबिलिटी और उसके फैक्टर्स। क्लियर है बात है? अगली बार देखेंगे अगले फैक्टर्स लिक्विड सॉलिड में क्या हो।